हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटेक की। अगर आप लोग भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट वीडियो बताने वाले हैं कि डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि आपको यहाँ पर एक कंबाइन की तरीके से पूरा डिटेल्स, यानी कि अलग कोर्स है लेकिन आपको मैं कंबाइन की तरीके से आपको यहाँ पर क्या क्या स्कॉलरशिप दी जाएगी, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या फीस रहेगी और क्या क्या यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से कंप्लीट वीडियोस मिलने वाले। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर बीटेक के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर ये जो कोर्स है वो 4 साल का रहता है आपका और टोटल 8 सेमेस्टर रहते हैं। ठीक है, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का कोर्स है आपका, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। वहीं हम बात करें यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की, 12 से 16 स्पेशलाइजेशन कोर्स मिल जाते हैं आपको बीटेक के अंदर और इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करने वाली हैं और उसी के साथ साथ सेंड मनी 20,000 पर स्टूडेंट डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप, यानी कि अगर आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं तो यहाँ पर 2 से 5 लाख का प्रोजेक्ट और स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर को मिल सकता है। वहीं उसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें और भी सीखने को मिल जाती हैं और अराउंड आप काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे इस कोर्स से। ठीक है, अब वहीं हम बात करें यहाँ पर कैसे एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम कौन सा क्लियर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के लिए आपको देखिए पास विथ 60%, यानी कि 12th में आपके 60% नंबर होने चाहिए बीटेक के लिए विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, क्वालिफाई टू जी मेन्स एग्ज़ाम या LPNEST और CUET। तो यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप LPNEST का ही एग्ज़ाम क्लियर करें। आप सोच रहे हैं मैं आपको LPNEST का ही एग्ज़ाम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि LPU में ही एडमिशन लेने वाले हो तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि LPNEST का एग्ज़ाम दीजिए। यानी कि इसमें क्या रहता है कि आप जॉब भी करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात रहती है। अब मैं आप ही सोच रहे होंगे कि मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में क्यों नहीं बता रहा, मैं आगे बात करूंगा स्कॉलरशिप के बारे में भी। तो यहाँ पर आपको बता दूं, आप एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है LPNEST का, तो आप लोग वो ज़रूर अप्लाई करेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो रिमोटली बेस्ड होगा, यानी कि आप घर पर बैठ के दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपके ऊपर कैमरे की निगरानी रहेगी, अगर आप लोग ज़रा सी भी गलती करते हैं यानी कि आप ज़रा सी भी चीटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पकड़ लेगा कैमरा कि आप घर से भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग कंफर्ट नहीं है घर पे, मान लीजिए मैं घर पर कंफर्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है कोई डिस्टर्बेंस है ज़्यादा, तो आप सेंटर बेस्ड भी चॉइस कर सकते हैं, यानी कि आप आपका स्कूल कॉलेज में सेंटर जाएगा वहाँ पे आप पेपर दे सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि LPNEST के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। LPNEST के लिए एक फॉर्म निकलते हैं जिसकी कॉस्ट 1,000 रुपये रहती है बॉयज़ की और गर्ल की रहती है 500 रुपये। तो अगर आप लोग कूपन कोड का यूज़ करते हैं जब भी ये फॉर्म निकलते हैं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मिल जाएगा, अगर वो कूपन कोड यूज़ करते हो तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो सिंपली इस फॉर्म को इस तरीके से फिल किया जाता है जिसमें आपको कॉस्ट फिल करनी पड़ेगी, यानी कि पैसे देने पड़ते हैं। वहीं हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 5 लाख यानी कि आपका जो प्लेसमेंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाता है। वहीं हम थोड़ा सा और नीचे आने के बाद यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से जानकारी लेते हैं। तो यहाँ और चाहे इसका क्वेश्चन पेपर सिलेबस भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सिलेबस मिलते हैं, क्राइटेरिया क्या रहता है, आप चाहे तो इसके बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में समझाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। भैया मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर हम अब फीस की बात करते हैं। तो यहाँ पर फीस जो रहती है वो 1,90,000 रुपये पर सेमेस्टर रहती है। तो आप देखते हैं 1,90,000 रुपये पर सेमेस्टर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। देखिए आप इनमें से कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हैं जिसमें 95% के अबव रहते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग जो आपकी फीस है, देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट पर सेमेस्टर 38,000, देख सकते हैं यहाँ पर 38,000 रुपये में, यानी कि 20%। तो यहाँ पर आपको 1,52,000 रुपये ये आपको फीस पड़ने वाली है। उसके बाद भाई हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर 15% प्रोग्राम फीस आप स्कॉलरशिप आपको पर सेमेस्टर मिलेगी। उसी के साथ साथ 1,61,500 रुपये आपको यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी। इसी तरीके से सेम है, आपको नीचे भी मिल जाती है। बाकी एग्ज़ाम फीस आपके 4,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस रहेगी, इसमें कोई भी कंसेशन नहीं होगा। अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं किस तरीके का प्रोसेस रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं LPNEST ऑन बेसिक ऑफ LPNEST, यानी क्या क्या होता है, कैसे होता है और क्या डिटेल चाहिए होती है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूँ अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी के सारी डिटेल मिल जाती है कि जी मेन एग्ज़ाम से क्या फ़ायदा होगा, फाइनेंशियल एड क्या होता है, अदर स्पेशल स्कॉलरशिप क्या होगी और कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप लोगों की वीडियो
अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।